मेट्रो कनेक्टिविटी ने एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता आसान कर दिया है। मेट्रो के कारण घंटों लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने के साथ ही समय की पूरी बचत होती है। मेट्रो का लाभ आम जन बखूबी उठा सके, इसके लिए मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच ओल्ड गुरुग्राम के लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है, क्योंकि अब ओल्ड गुरुग्राम में अभी तक कोई मेट्रो लाइन नहीं थी और अब गुरुग्राम में मेट्रो कनेक्टिविटी के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। यूनियन कैबिनेट ने बुधवार को हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रस्ताव पर अपनी अंतिम मोहर लगा दी। इसके साथ ही शहर में मेट्रो विस्तार का रास्ता साफ हो गया। मेट्रो कनेक्टिविटी का विस्तार हुड्डा सिटी सेंटर और साइबर सिटी के बीच होगा। ये लगभग 28.5 किलोमीटर लंबे रूट को कवर करेगा। आज कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी लगभग 28.5 किलोमीटर हरियाणा में गुरुग्राम में बढ़ाने का कार्यक्रम है, जो सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक मेट्रो को पहुंचाएगा और साथ में एक स्पर, एक 1.5 किलोमीटर लंबा अलग लाइन, साइड की लाइन स्पर लाइन बोलते हैं, वो द्वारका एक्सप्रेसवे को भी कनेक्ट करेगी मेट्रो से। ये लगभग 5,453 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा, जिससे हमारे हरियाणा के खास तौर पे गुरुग्राम के लोगों को तो बहुत बड़ा फायदा होगा ही। लगभग 7.5 लाख अनुमानित है रोज यातायात करेंगे इस मेट्रो लाइन पे। ओल्ड गुरुग्राम को न्यू गुरुग्राम तक लगभग 28.5 किलोमीटर लंबे रूट पर 27 नए मेट्रो स्टेशन की सौगात मिलेगी। ये नेटवर्क रेलवे स्टेशन को भी जोड़ेगा और अगले फेज में IGI एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करेगा। इससे आर्थिक विकास में इजाफा होगा। प्रस्तावित मेट्रो नेटवर्क गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के लिए सुविधाजनक कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगा। यात्रियों के लिए उपलब्ध समग्र परिवहन विकल्पों को और बढ़ाया जाएगा। आगे देखते हुए परियोजनाओं को भविष्य में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक बढ़ाया जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि हुड्डा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच किन किन स्टेशनों का विस्तार होगा। हुड्डा सिटी सेंटर से सेक्टर 45, साइबर पार्क, डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर सेक्टर 47, सुभाष चौक सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई गांव, सेक्टर 101, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बजघेड़ा रोड, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23A, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5, कृष्णा चौक और अंत में साइबर सिटी। इस नए मेट्रो प्रोजेक्ट से अब नए गुरुग्राम को ओल्ड गुरुग्राम से कनेक्ट किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हरियाणा मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का कुल कॉस्ट 5,453 करोड़ का है। इसके तैयार होने में 4 साल का वक्त लगेगा और साल 2030 से 31 तक इसके विस्तार से 17 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।